ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसका मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली जैसे देखो, अभी ये जैसे इलेक्ट्रॉन हमको पता है ऑर्बिटल में पाया जाता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ऑर्बिटल एक्चुअली क्या है? एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है, वो सबसे मैक्सिमम होता है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक्चुअली ऑर्बिटल जो होता है वो पूरा 3D में होता है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसमें तीनों पार्ट आएंगे, ठीक है, तो वो 3D में आता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करते हैं। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे एक हम लोग स्पीयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे ये एक, चलो इसको पहले ऐसे ड्रॉ कर लेता, जैसे ये एक स्पीयर है, ठीक है, स्पीयर है ये, सर्कल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 3D में है। तो ये न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इसके कुछ ही थोड़ा सा हम लोग दूर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस का हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेरिकल शेल एज्यूम करते हैं, ये इस तरह का। ठीक है, बहुत ही ये छोटा, डी आर का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, ये पढ़े ही हो तुम लोग, डी आर जो है ये बहुत ही छोटा होता है। तो ये जो है, यहाँ से ये आउटर वाला जो पार्ट है ये आर प्लस डी आर है, ठीक है ना, और ये जो इसका थिकनेस है, इसके बीच का थिकनेस, इसी को हम लोग बोलते हैं डी आर, ठीक है। और ये तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि आर प्लस डी आर ये वाले स्पेस में, ये जो एरिया वॉल्यूम जो बन रहा है इतना वॉल्यूम में, ठीक है, ये एक्चुअली वॉल्यूम ही रहेगा ना, एरिया तो रहेगा नहीं क्योंकि 3D में है। तो सर, इस वाले वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वही हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो बताना, तो इस वाले शेल का जो शेडेड पोर्शन है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ तो, वॉल्यूम सर ऑफ पहले शेल। बड़े वाले, सर बाहर वाला पूरा का वॉल्यूम से अंदर वाला पूरा का वॉल्यूम माइनस करके। हाँ, तो बाहर वाला वॉल्यूम कितना है? फोर सो 4/3 एंड बाई थ्री पाई इंटू ब्रैकेट आर में आर प्लस प्लस डी आर डी का आर का क्यूब क्यूब, माइनस फोर बाई तो थ्री इंटू वॉल्यूम ऑफ, पाई आर क्यूब। हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का तो फॉर्मूला पढ़े होगे ना, यस फोर सर, बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है। तो बाहर वाले का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब होगा, यस सर, माइनस इसमें हम लोग अंदर वाले शेल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान देना, डी आर जो है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, डी आर ये तो पढ़े ही हो गए डेरिवेटिव, मतलब बहुत ही छोटा क्वांटिटी को हम लोग डी आर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ही इसमें कॉमन लो, कुछ सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो ये 4 पाई कॉमन आ जाएगा, नीचे 3 कॉमन आ जाएगा, चलो यहाँ पे बच क्या जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूला पुट करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब वाला, ठीक है, तो ये आ यस जाएगा आर क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया, और इधर आ गया यार, तो ये बच जाएगा 3 r² dr, और क्या बच जाएगा, प्लस 3 r dr² +3 डी आर क्यूब। और प्लस डी आर क्यूब, 3 dr³ कहाँ, डी आर क्यूब ना, यस सर, यस r क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इतना ही यस बचेगा, देख लो ये हो गया, और नीचे क्या बचा, 3, किसी को कोई डाउट, देख लो इसमें, अब यहां पे ध्यान देना कि डी आर जो है ये ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ये। तब डी आर का जो स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा, एक तो डी आर पहले से ही बहुत छोटा क्वांटिटी है, लेकिन अगर उस छोटे क्वांटिटी का हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, वो जीरो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू, डी आर पहले से ही बहुत छोटा था और टेंडिंग टू जीरो था,
ठीक है, उसका अगर और स्क्वायर कर दें तो उसका वैल्यू और क्या होते जाएगा, क्योंकि वन से ये छोटा क्वांटिटी है ना, वन से बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो उसका स्क्वायर करते रहोगे तो उसका वैल्यू और भी क्या होते जाएगा, dr से भी और छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम लोग क्यूब कर दें तो ये और भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाले वैल्यू से भी और भी छोटा हो जाएगा ये। तो मतलब dr के रेस्पेक्ट में अगर इन दोनों को हम लोग देखें तो dr के रेस्पेक्ट में dr का स्क्वायर और dr का क्यूब ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हम लोग इसको मान सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में हम लोग मान रहे हैं, dr के रेस्पेक्ट में, dr के रेस्पेक्ट में, क्योंकि dr ऑलरेडी बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो उसका अगर स्क्वायर कर दें, क्योंकि वन से छोटा है ना ये सब, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा होते जाएगा, क्यूब करेंगे तो और भी छोटा होगा। मतलब dr के रेस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल जीरो की तरह इसको हम लोग मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही वाला नेग्लेक्शन वाला रूल हम लोग लगा लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dr ये टेंडिंग टू जीरो है, dr स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, और dr क्यूब का वैल्यू भी टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, dr के रेस्पेक्ट में, dr। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, फाइनली 4π, 3 कैंसिल आउट, ये दोनों तो जीरो हो गया, इधर 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4π r स्क्वायर dr, तो ये बच गया। तो मतलब वो जो शेडेड पोर्शन हम लोग लिए हैं उसका जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम हमको कितना कंसिडर करना है, 4π r स्क्वायर dr। बात समझ में आ गया? हेलो, यस सर, ठीक है। तब इसी वाले पोर्शन में हमको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता है, ये जो वॉल्यूम आया है ना इसको हम लोग डीवी से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पोर्शन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको डीवी से हम लोग डिनोट करेंगे, तो डीवी का वैल्यू कितना आ गया, 4π r² dr हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा साई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बताता है, और ये किसमें हमको फाइंड आउट करना है, वो कौन से वॉल्यूम में, तो डीवी में, ये इसको डीवी से मल्टीप्लाई कर दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन उस छोटे से वॉल्यूम में कितना आ जाएगा, साई स्क्वायर, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और डीवी का वैल्यू कितना आया, 4π r² dr, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे, ठीक है, यही ग्राफ हमको यहाँ पे प्लॉट करना है, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में हमको प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो इस वाले रीजन में ये जो प्रोबेबिलिटी है, इस वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर है ना, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम लोग, समझ में आया कि नहीं, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? Yes, sir. जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम लोग दूर जाते जाएंगे, तो उस एक जो स्पीयर बनेगा, ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम जो बन रहा है, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। और उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 4π r² dr into psi² ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के साथ इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए जो होगा वो ग्राफ डिफरेंट होगा, तो सबसे पहले हम लोग 1s के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ फॉर 1s, और यहाँ पे है न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ये r जो है x एक्सिस पे हम लोग r ले रहे हैं, और y एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, यही प्रोबेबिलिटी इसका ले रहे हैं, मतलब साई स्क्वायर इंटू 4π r² dr, क्लियर है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब उस वॉल्यूम में कितना प्रोबेबिलिटी है। तो इसका ग्राफ क्या होगा बताओ, ग्राफ का नेचर कैसा आना चाहिए? अब जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे ही पहले चलो न्यूक्लियस के बिल्कुल एकदम अगर पास रहेंगे हम लोग, बिल्कुल न्यूक्लियस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे dr का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो अगर हम लोग न्यूक्लियस पे ही हैं तो dr का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा ना? यस सर, ठीक है। तो उस केस में मतलब न्यूक्लियस के पास अगर है तो वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, उस समय ये 4π r² dr का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा, क्लियर है। अब जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से आगे बढ़ रहे हैं
तो उसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी क्या होते जाएगा, उस वॉल्यूम वॉल्यूम dr का वैल्यू बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम लोग और दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, तो dr का वैल्यू बढ़ेगा। तो dr का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होते जाएगा उस रीजन में, उस वॉल्यूम में बढ़ते जाएगा। Yes. समझ में आ रहा है ना। फिर एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, वो बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा। ये 1s का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो 1s में तो कोई भी नोड नहीं आता है ना, 1s वाले में कोई नोड आएगा क्या? रेडियल नोड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेडियल नोड तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, बताओ? यस सर, होगा जीरो से स्टार्ट। ठीक है, तो ये जीरो से स्टार्ट हुआ देखो, और फिर ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा, और उसके बाद फर्दर ये क्या होगा, ऐसे ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा। तो ये 1s के लिए, ये बात समझ में आ रहा है ना, क्यों ये ग्राफ, क्योंकि इससे पहले जो भी ग्राफ प्लॉट किए थे उसमें देखे थे s ऑर्बिटल वाला ग्राफ जो था वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये वाला ग्राफ में जीरो से स्टार्ट हो रहा है। क्यों जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अगर हम लोग बिल्कुल क्लोज रहेंगे तो उस समय dr का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है ना। और dr अगर जीरो हो गया तो मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मान लो यहाँ पे dr ही जीरो हो गया तो ये पूरा वैल्यू प्रोबेबिलिटी ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो तब बताना 2s वाला ग्राफ, ये सेम ग्राफ हम लोग 2s के लिए प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, 2s के लिए कैसा नेचर आएगा बताना। यहाँ भी हम लोग ये साई स्क्वायर और 4πr² dr ले रहे हैं y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस r ले रहे हैं। बताओ ये 2s के लिए ग्राफ है, बोलना तो क्या आएगा, ये इधर 1s है। अब 2s के केस में क्या आएगा, एक नोड आता है, हेलो, यस सर, यस सर। चलो 2s के केस में एक नोड मिलेगा हमको, ठीक है, yes, एक रेडियल नोड आता है ना, तो ग्राफ मतलब एक पॉइंट पे ये टच कर रहा होगा जीरो को, मतलब चलो पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, जीरो से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ग्राफ गया जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैक्सिमम तक गया, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया, ये फिर से इस पॉइंट पे आके टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, एक रेडियल नोड मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद ये फिर मैक्सिमम गया, ठीक है, और मैक्सिमम गया, फिर इसके बाद ये आके टेंडिंग टू ऐसे जीरो हो जाएगा। सेकंड वाला कर्व ज्यादा बड़ा क्यों है, क्या सेकंड वाला कर्व ज्यादा बड़ा क्यों है, क्योंकि वो डेंसिटी जैसे जैसे r बढ़ते जाएगा ना तो dr का वैल्यू भी तो इंक्रीज होते जाएगा ना, तो ओवरऑल वैल्यू भी तो इंक्रीज होगा। नहीं आ रहा समझ में, dr बोलिए ना, आवाज आना बंद हो गया था। चलो dr बढ़ते जाएगा ना, डिस्टेंस जैसे जैसे न्यूक्लियस से बढ़ाओगे तो dr का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है ना। हाँ, तो dr का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मैक्सिमम पॉइंट भी तो बढ़ेगा, 4πr² dr का वैल्यू, वो भी ज्यादा दूर तक जाएगा ना। हाँ, वो सारा न्यूक्लियस से डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो फिर कर्व नीचे क्यों आता है जब हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, वो भी तो सारे रीजन में इलेक्ट्रॉन सारे रीजन में थोड़ी ना पाया जाता है, एक सर्टन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना उसी में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मतलब एक बार मैक्सिमम चला गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा ना। जैसे मान लो इसके बाद दूसरा नोड आएगा, दूसरा रेडियल नोड अगर मिलेगा तो उस समय तक तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जीरो करना है, तो एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद तो वो डिक्रीज ही होगा ना। यस सर, ठीक है, इसलिए यहाँ देखो यहाँ पे तो एक नोड मिला ही हमको, यहाँ डिक्रीज हुआ, देखो डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे एक नोड मिला, उसके बाद धीरे धीरे फिर एक इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 2s वाले ऑर्बिटल के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो 2s वाले ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड मिलेंगे, एक ही रेडियल नोड होगा ना। ठीक है, यस सर। चलो तो ये हो गया 2s के लिए, अब बताना 2p के लिए ग्राफ कैसा आएगा।
दो रेडियल नोड. 2p में दो रेडियल नोड कहाँ से आता है? So one. एक ही था शायद. 2p में रेडियल नोड होता है क्या? माइनस वन माइनस जीरो. p में कहाँ से रेडियल नोड आ जाएगा? अच्छा हाँ नहीं आएगा, भूल गया था. p में तो एंगुलर नोड मिलता है ना. हाँ तो यहाँ पे तो हम लोग रेडियल नोड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो रेडियल नोड तो मिलेगा नहीं. यहाँ भी ग्राफ जीरो से ही स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि dr का वैल्यू जीरो होगा. न्यूक्लियस से जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा और फिर ये कर्व कुछ ऐसा आएगा. तो देखो यह नेचर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट वैल्यूज में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? मैक्सिमम तक जाके फिर ये इससे डिक्रीज होगा. क्लियर है? तो नेचर देखो ऑलमोस्ट सेम जैसा नेचर मिल रहा है. 1s और 2p वाला नेचर देखो ऑलमोस्ट सेम, बट ऐसा नहीं है कि वैल्यूज सेम मिलेगा तुमको, ठीक है? क्योंकि s का जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड तुमको मिलेगा, लेकिन p का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उतना ज्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं होगा. क्लियर है ना? समझ रहे हो डिफरेंस? यस सर. क्योंकि p में दो दो लोब्स के टाइप का होता है, डम्बल शेप होता है, लेकिन s में जो होता है वो स्पेरिकल शेप होता है, मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कंसेंट्रेटेड रहता है. तो हम लोग उसको बोल सकते हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली है एक तरह से. लेकिन पी में क्या नॉन पी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्या? पी ऑर्बिटल का शेप तो ऐसा होता है ना, डम्बल शेप. तो मतलब यहाँ पे इस मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर रीजन में मिलेगा, मतलब इस रीजन में हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा. लेकिन इस रीजन में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. ठीक है? तो इसमें इसलिए हम लोग बोलते हैं तो ग्राफ का नेचर ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे वैल्यूज सेम नहीं रहेगा, ठीक है? तो 2p में भी एक बार भी ग्राफ टच नहीं किया इसको, क्योंकि यहाँ पे भी एक भी रेडियल नोड नहीं है. p की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलो अब इसी तरह एक 3s का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जैसे प्रीवियस केसेस में हम लोग किए थे उसी तरह यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग. 3s में बताओ 3s का नेचर कैसा आएगा? सर टू नोड्स आएगा इसमें, दो रेडियल नोड आएगा, ठीक है? यहाँ साई स्क्वायर 4πr² dr ले रहा है. चलो कितने रेडियल नोड मिलेंगे बताओ? टू. दो रेडियल नोड मिलेंगे, ठीक है? तो दो बार यहाँ पे टच होगा, तो एक बार यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आया यहाँ पे टच किया, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ पे टच किया, और तीसरा वाला जो कर्व जाएगा ये सुम जाके फिर ये पैरेलल कर. यहाँ पे देखो दो जगह ये कट कर रहा है, दो जगह सॉरी टच कर रहा है इसको, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारा दोनों पॉइंट क्या शो कर रहा है? टू रेडियल नोड्स. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टू रेडियल नोड्स. तो ये 3s के लिए कर्व हो गया. ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? बोलो. नाइस. चलो तो ये कर्व हम लोग ये सारा 1s 2s 2p 3s ये वाला पहले भी ड्रॉ किए थे हम लोग, साई के लिए ड्रॉ किए थे, दूसरा साई स्क्वायर के लिए ड्रॉ किए, ठीक है? ये दो और तीसरा कर्व हम लोग किसके लिए ड्रॉ किए? साई स्क्वायर इंटू 4πr² dr. और ये सारा कर्व हम लोग किसके वर्सेस ड्रॉ किए थे? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वर्सेस आर, ठीक है? ये तीनों नेचर ये ध्यान रखना. साई का जो कि प्रोबेबिलिटी, साई क्या डिनोट करता है? साई है वेव फंक्शन, ठीक है? साई स्क्वायर क्या डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. और साई स्क्वायर 4πr² dr ये क्या डिनोट कर रहा है? ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये तीनों रेडियल ही है, ये रेडियल वेव फंक्शन है, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. तीनों हम लोग रेडियल वाला ही कंसिडर कर रहे हैं, एंगुलर वाला ग्राफ हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे. जैसे बताए थे ना वेव फंक्शन का दो पार्ट होता है, एक रेडियल पार्ट होता है एक एंगुलर पार्ट. ये सारा जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये कौन से पार्ट के लिए कर रहे हैं? रेडियल पार्ट के लिए.
ठीक है, तो यही अपने सिलेबस में एंगुलर वाला हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। सर एंगुलर का होता कैसा होगा वो तुम लोग को नहीं जानना है। चलिए वो ठीक है, रेडियल वाला पार्ट ही हम लोग के सिलेबस में रहता है, एंगुलर वाला वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें? तो बस यही वाला पार्ट बचा हुआ था, ये भी हो गया। चलो अब क्वेश्चन क्या क्या था तुम लोग का? हाँ बोलो। तो बहुत सारा नया नया टर्म था सर बुकलेट में। क्या क्या टर्म था नया नया? सकोर इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट। शील्डिंग इफेक्ट वो सारा हम लोग को डिस्कस करने आ गए, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, उसमें आएगा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो वहां पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। और क्या है? कर्नल इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो कोर इलेक्ट्रॉन और कर्नल किसको बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लो सोडियम है ना, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये क्या बन जाएगा? Na प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। Na प्लस जो बचा ना इसमें, ये Na प्लस इसका जो स्पीयर बचा पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल। ठीक है, और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो निकल गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकल गया इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो मेटल से अगर आयनिक बॉन्ड भी होता, हाँ मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, हाँ मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल के शेल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा ना, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, तो जो बाहर निकल गया उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसके अलावा जो बच गया उसको हम लोग कर्नल बोलते हैं। ठीक है सर, एक एनसीईआरटी पेज नंबर 57 में देखे ना, उसमें एक सर एनर्जी लेवल दिया हुआ था सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर सर, उसको रैंक दीजिए ना, लिखना था। अच्छा अच्छा ठीक है, एनएसए एनए प्लस। ठीक है, तो ये हो गया कर्नल और ये हो गया फोर इलेक्ट्रॉन्स। बोलो। और एनसीईआरटी पेज नंबर 57 पे जाइए ना। एनसीईआरटी है नहीं मेरे पास, क्या है मतलब टर्म बताओ। एक सेकंड, इसमें दिया हुआ फॉर एनर्जी ऑफ द 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एंड दैट ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम एंड सो ऑन। सर मतलब 2s ऑर्बिटल से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उससे छोटा होता जा रहा है उसका एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल छोटा नहीं, एनर्जी लेवल कैसा सर? 2s का एनर्जी सर, सर फोटो भेज देते आपको। ठीक है, एनर्जी मतलब देखो हाइड्रोजन के लिए तो एनर्जी सबका बराबर होगा ना, ये तो हम लोग कंपेयर करने बता ही थे लास्ट क्लास में कि अगर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमको देखना है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वन वन वाले में ही रहेगा, बाकी 2s में सेकेंड सेल में अगर हम लोग जाएं तो सेकेंड सेल में क्या होता है, 2s भी है और 2p भी है, तो 2s सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो बताए थे तुम लोगों को इक्वल होता। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1s है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोलते हैं हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसको डीजेनरेसी भी तुमको बोला जाता है। ठीक है, जैसे तुमसे बोला जाए, ये बताए भी थे कि जैसे 1s में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें सेकेंड सेल तो पूरा वेकेंट रहेगा, तो इस केस में 2s और 2p का एनर्जी क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, 1s का एनर्जी, 2s और 2p का एनर्जी क्या होगा, ये बराबर रहेगा। और इसी तरह थर्ड सेल में अगर पूछा जाए तो 3s, 3p और 3d, इन तीनों का एनर्जी क्या होगा, ये बराबर रहेगा। ठीक है, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीजेनरेसी भी बोलते हैं, जैसे 2s में एक ऑर्बिटल है और 2p में तीन ऑर्बिटल है, तो इनको हम लोग जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। बताए थे लास्ट क्लास में डीजेनरेट ऑर्बिटल, एक टर्म बताए थे ना,
यस सर। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि डीजेनरेसी कितना है इसका, तो डीजेनरेसी मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं यहाँ पे सेकंड सेल में अगर पूछा जाए, टू सो फोर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितना हो गया, फोर। फोर। तो सेकंड सेल का अगर डीजेनरेसी पूछा गया तो डीजेनरेसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर। थर्ड सेल में अगर डीजेनरेसी पूछा जाएगा तो सो थर्ड में नाइन। थर्ड सेल में डीजेनरेसी कितना आ जाएगा, नाइन, क्योंकि यहाँ पे हो गया पांच ऑर्बिटल, इसका हो गया थ्री ऑर्बिटल्स और इसका वन ऑर्बिटल, तो डीजेनरेसी हो गया नाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सर मैंने आपको फोटो भेजा सर। सर फोटो भेज दिए सर आपको। क्या भेजे हो उसमें सर वो अलग अलग आइटम का सर, उसमें 2s ऑर्बिटल सर एनर्जी उसका सर कम होते जा रहा, वही एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है ना, यस सर, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है, तो उसका जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव हम लोग देखते हैं, जेड इफेक्टिव पढ़ेंगे आगे, ये इसमें डिटेल में कैलकुलेशन भी बताएंगे कैसे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट होता है। जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, जेड हो गया यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया, और सिग्मा होता है शील्डिंग कांस्टेंट। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जेड इफेक्टिव का एक्चुअल वैल्यू है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर का वैल्यू, जेड का वैल्यू बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू भी बढ़ता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, तो इससे हम लोग ये इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जेड इफेक्टिव एक्चुअली है क्या, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, yes. तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू अगर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल या उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर उस पे ज्यादा हो जाएगा, तो उसका एनर्जी क्या होते जाएगा, बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज आते जाएगा ना। यस सर। तो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज आएगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ता है या घटता है, सर घटता, घटता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी कम होगा। तो वही चीज दिया गया, समझ में आ गया। यस सर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बोला जा रहा है कि बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, तो z इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो रहा है उस ऑर्बिटल का, कम हो रहा है। ठीक है, हेलो सर। यस सर। हाँ बोलो सर। इमिशन सर, यहाँ पे बहुत सारे बुकलेट में से इमिशन दिया हुआ था सर, इमिशन ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, सर ये सब नहीं हुआ सर। अब जो ऑप्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्चुअली क्या है, मतलब जैसे मान लो कोई, वो तो एक बार पढ़ोगे, वो तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट गिरा, ठीक है, लाइट का रेडिएशन। अब लाइट में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे कलर्स का वो मिक्सचर होता है, पड़ी और विवग्योर होता है, तब उसमें हम लोग पढ़े कि वो सारा रेडिएशन तो एब्जॉर्ब होता नहीं है, सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है क्या, नहीं, वही रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा जिसका एनर्जी जो है वो, या जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वो दो एनर्जी लेवल के बीच में पड़ेगा, या डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल आएगा, सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, बाकी सारा एनर्जी क्या रहेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बनाते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो एक्चुअली ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, जैसे मान लो यहाँ है, ऐसे हम लोग लिए, ठीक है, तो जैसे मान लो इससे हम लोग, जैसे ये सैंपल है हमारा, ठीक है,
इससे हम लोग वाइट ये सैंपल लिए, मतलब कुछ भी है इसमें, कोई भी गैस है मान लो, इससे हम लोग वाइट लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ मान लो कोई एटम है किसी गैस का, हाइड्रोजन एटम का गैस, ये हाइड्रोजन गैस का एटम सा, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। तब जैसे मान लो इससे लाइट हम लोग पास कर रहे हैं, तो अब आवाज आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, ठीक है। तो लाइट अगर, हाँ लाइट अगर हम लोग इससे पास कर रहे हैं, तो लाइट में क्या होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, वेवगियर हम लोग ये पढ़े ही होंगे पहले तुम लोग, 7 कलर्स होता है, ठीक है। व्हाइट लाइट पास किया जा रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा कि व्हाइट लाइट में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो ये एक्चुअली हाइड्रोजन के एटम्स क्या करेंगे, सारे कलर को एब्जॉर्ब करेगा क्या? वो सिर्फ उसी कलर को एब्जॉर्ब करेगा जिस कलर का फ्रीक्वेंसी जो है, या जिस कलर का एनर्जी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दो सेल के बीच का एनर्जी आए, या दो सेल का डिफरेंस के बराबर आए। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बोर्स मॉडल में, कि सारे एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, वही एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट होगा जो किसी दो एनर्जी सेल का डिफरेंस होता है, उसके अलावा बाकी जो भी एनर्जी होगा वो अब्सॉर्ब या एमिट नहीं होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या बना, यहाँ पे दो तीन एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। विबग्योर में मान लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं VIBGYOR, ठीक है। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है। तो इसमें मान लेते हैं ब्लू, ग्रीन, ये इंडिगो हो गया एब्जॉर्ब, ग्रीन हो गया एब्जॉर्ब, ठीक है, ऑरेंज हो गया एब्जॉर्ब, बाकी सारा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी सारा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये क्या दिखेगा हमको, जो कलर एब्जॉर्ब हो गया वो तो इस स्क्रीन पे नहीं दिखेगा ना हमको, yes, दिखेगा क्या? जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो बच गया, जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो हमको यहाँ पे विजिबल होगा। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा क्या, बताओ? तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब हमको सारे कलर मिल जाने चाहिए, तो सारा कलर यहाँ पे कंटिन्यूअस तो नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम फॉर्म होने का रीजन क्या है? अब्सॉर्प्शन, क्योंकि हाँ अब्सॉर्प्शन हो रहा है, सारे कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वही कलर एब्जॉर्ब होता है जिसका फ्रीक्वेंसी या जिसका रेडिएशन जो है उसका एनर्जी, उस रेडिएशन का एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम के दो एनर्जी शेल का डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमको कुछ कुछ एक कंटिन्यूअस टाइप का स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं होगा, एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब एक्चुअली एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या, ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, यहाँ पे कुछ ही कलर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो क्या होगा, हमको यहाँ पे दिखेगा, क्लियर है? तो ये डिस्क्रीट टाइप का स्पेक्ट्रम बन गया। अब ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम, ये एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म किया। एमिशन स्पेक्ट्रम कब फॉर्म होगा? तो एमिशन स्पेक्ट्रम ये फॉर्म होता है कि जब मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर शेल में है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन एटम है, इसके मान लो ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू ये 2 है, तो हाइड्रो ये जो है इलेक्ट्रॉन ये 1 से जंप करके ये जा रहा है मान लो 2 पे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो है 1 से जंप करके ये n इक्वल टू 2 पे चला गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अगर ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके 2 पे जा रहा है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा लोअर एनर्जी शेल में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी शेल में जाएगा, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वापस से वो एनर्जी लूज करके वो अपने लोअर एनर्जी सेल में जंप करता है, ठीक है, क्लियर है ना? जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल में एनर्जी अब्सॉर्ब करके जंप किया था, अब वही क्या करता है, वापस से वो एनर्जी एमिट करके वापस से वो लोअर एनर्जी सेल में जंप कर रहा है। तो वहां से जो एमिट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ही तो एमिट करेगा, है ना? यस सर। तो उस रेडिएशन के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उसका कुछ सर्टन वेवलेंथ होगा ना, उस फ्रीक्वेंसी का, सॉरी वो जो रेडिएशन आया उसका कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा या फ्रीक्वेंसी होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, तो वो देखेंगे हम लोग जिस कलर से मैच कर रहा होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर, हर एक कलर का एक सर्टन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है, तो वहां पे हमको
सिर्फ एब्जॉर्प्शन में भी हमको क्या दिखाई देगा, सारे कलर एब्जॉर्प्शन में जैसे देखे थे सारे कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे, उसी तरह एमिशन में भी हमको सारे कलर दिखाई देंगे क्या? रेडिएशन का सारा कलर दिखाई देगा क्या? सिर्फ वही कलर दिखाई देगा जिस कलर का एनर्जी जो है इस दो एनर्जी सेल के डिफरेंस के बराबर आ रहा है, सिर्फ वही कलर हमको एमिशन में दिखाई देगा, एमिशन वाले स्पेक्ट्रम में, बाकी सारा कलर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यही दो टाइप के स्पेक्ट्रम जो बनते हैं यहाँ पे, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, और दोनों स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस नहीं फॉर्म होता है। क्लियर है ना? इसका रीजन यही होता है कि कोई भी एटम जो है वो सारे तरह के लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सिर्फ वही रेडिएशन एमिट एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा जिसका एनर्जी जो होगा वो दो सेल के डिफरेंस के बराबर, किसी दो सेल के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम यही हो गया, मतलब मॉलिक्यूल्स अगर एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, अगर वो हो रहा है तो वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम हो गया, अगर एटॉमिक लेवल पे हो रहा है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पे जनरली जो बोर्स मॉडल है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन एटम का वो किया गया है। ठीक है ना? तो वो एटम एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम लोग डील करते हैं यहाँ बोर्स मॉडल में। ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम का हम लोग देखते हैं। और बताओ। सो एक और था क्वेश्चन, सो जब सेल नंबर से काफी जब ज्यादा बड़ा होता और उस उसके सर जब एन एन का वैल्यू जब काफी ज्यादा बड़ा होता और सिर्फ एन एन प्लस वन से जब एन पे जब कोई सर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसमें जो रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी होता है तो कैसे रिलेट करते उसको? तो उसमें तुमको एप्रोक्सीमेशन लेके करना होगा ना, एन से अगर वो बहुत ज्यादा एन का वैल्यू वन से बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पे एन प्लस वन को तुम क्या एज्यूम कर लोगे? एन प्लस वन को जैसे एन का वैल्यू तुमको दिया हुआ है एन प्लस वन के लिए निकालना है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि मच मच ग्रेटर देन वन है, ये दिया हुआ है ना? यस सर। तो यहाँ पे n प्लस वन को नियरली हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे n के बराबर, क्योंकि n के रेस्पेक्ट में वन बहुत ही छोटा क्वांटिटी हो जाएगा। yes, ठीक है। yes, तो वैसे तुमको अप्रोक्सीमेशन एज्यूम करना होगा, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना फिर अप्रोक्सीमेशन यूज करना। ठीक है, तो जैसे यही फॉर्मूला होता है ना, वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन बाय एन स्क्वायर माइनस N1 माइनस वन बाय एन टू एन प्लस एन टू की जगह क्या है यहाँ पे एन प्लस वन, एन प्लस वन है। ठीक है, तो एन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लोगे उसके बाद अप्रोक्सीमेशन तुमको पुट करना है, नहीं तो यहीं पे अप्रोक्सीमेशन अगर पुट कर दोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। yes. ठीक है ना, तो पहले सिंप्लीफाई करके उसके बाद अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेना। अब जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन श्रोडिंगर इक्वेशन का जैसे तुम लोग पूछे थे, इसमें कोई ग्रुप में पूछा था तो बन गया क्या? सर बन गया सर, उसमें से स्टेटमेंट में समझ नहीं आता सर लिखा हुआ है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सिंपल है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रुप में तुम लोग देखना, ये हाइड्रोजन एटम के लिए साई 3s का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/81, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन है, ऐसे कोई लेना देना नहीं है, इतना 1/√3π और ये 1/a0 दिख रहा है सबको क्वेश्चन? हेलो ग्रुप में देखना तुम लोग, ग्रुप में कोई भेजा है तुम लोग का डाउट वाला जो ग्रुप है ना उसमें, ये 3/2 है। हाँ ठीक है, वो देख लेना तुम लोग, ये बाय ए नॉट और प्लस 2r² / a0 का स्क्वायर और इनटू e^-r, ये क्या है / 3a0। ठीक है, / 3a0। अब यहाँ देखो ये लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया हुआ है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन 3s के लिए दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए। तुमको बोला गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियल नोड इज d, मतलब दो रेडियल नोड के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो d है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d बाय 1.73 a0, इसका वैल्यू निकालना है तुमको।
और डी एक्चुअली क्या है, दो रेडियल नोड के बीच का डिस्टेंस। तो दो रेडियल नोड के बीच का डिस्टेंस हम लोग डी है। तो पहले देखते हैं हम लोग रेडियल नोड कैसे निकालेंगे। तब नोड हमको निकालना है, तो नोड पे हम लोग क्या बता चुके हैं कि 3s का स्क्वायर जो होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यस ये होगा ना नोड, नोड वाला कंडीशन। तो नोड वाला क्राइटेरिया यूज करोगे तो इस पूरे इक्वेशन को तुमको स्क्वायर करके जीरो के बराबर पुट करना है। तो ये वाला तो ये सब तो पूरा कॉन्स्टेंट ही दिख रहा है, ये सब जीरो हो जाएगा। इधर ये वाला टर्म भी उस साइड भेजोगे तो जीरो होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बच जाएगा, 27 माइनस 18 आर बाय ए नॉट प्लस 2 आर स्क्वायर बाय ए नॉट का स्क्वायर। इस पूरे टर्म का स्क्वायर क्या होगा, जीरो के बराबर पुट करेंगे हम लोग इसको, है ना। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटा के भी जीरो के बराबर ही होगा वो, क्योंकि अंडर रूट जीरो लोगे तो वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, और ये आ गया इधर 2r² बाय ए नॉट का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे r का वैल्यू तुम लोग निकाल लो ए नॉट के टर्म में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बन रहा है ना क्वाड्रेटिक। यस सर। ये आ जाएगा 27 ए नॉट माइनस 18 आर, ए नॉट स्क्वायर होगा सर शायद, क्या बोल रहे हो। हाँ, ए नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो 27 ए नॉट स्क्वायर यहाँ पे हो गया 18 आर ए नॉट, और यहाँ पे प्लस 2 आर स्क्वायर, और नीचे ए नॉट स्क्वायर आएगा तो उसको उस साइड भेजोगे तो वो जीरो हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आर का वैल्यू हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। समझ में आ रहा है। yes, देखो ये आ गया आर ए नॉट और प्लस ये प्लस 27 ए नॉट का स्क्वायर। ए नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है हमको। तो यहाँ पे हमको आर का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। तो R का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। तो बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है, माइनस 18 ए नॉट 324। ठीक है, तो 18 ए नॉट का होल स्क्वायर करोगे, माइनस होगा तो माइनस को स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, और माइनस फोर एसी। तो फोर ए की जगह पे यहाँ क्या है, टू टू, और सी के जगह पे क्या है, 27 ए नॉट स्क्वायर, और बाय नीचे 2 ए। तो 2 इंटू 2, यहाँ पे बी का वैल्यू पुट भी कर देते हैं हम लोग। तो बी का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 18 ए नॉट। तो ये आ गया 18 ए नॉट आ जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करोगे तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए नॉट आ जाएगा। दो वैल्यू आएगा आर का, एक आर वन आएगा, एक बार प्लस पुट करोगे तो आर वन आएगा, एक बार माइनस पुट करोगे तो आर टू आएगा। बात समझ में आ रहा है। यस सर। दो रूट आएगा ना, एक प्लस पुट करने से एक माइनस टू, तो दो रूट आ रहा है, मतलब दो, ये आर वन भी ये नोड शो कर रहा है और ये आर टू भी, ये भी नोड ही शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो तुमको क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है डी जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन टू नोड्स। डी जो दिया हुआ है यहाँ पे टर्म, दो रेडियल नोड के बीच का डिस्टेंस ही है। तो यहाँ एक्चुअली क्या है कि मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू, ये हमको पता नहीं है कौन सा ग्रेटर है, या तो आर वन ही ग्रेटर होगा, ठीक है, आर वन माइनस आर टू करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ लाइव ही निकाल सकते सर। हाँ सर, अंडर रूट डी बाय ए मोड सर, ये डिफरेंस दे देता। ठीक है, ये देख लेना। तो यहाँ से D का वैल्यू क्या आ जाएगा, D is equal to ये क्या आ जाएगा, R1 minus R2। ये actually D यही है, distance between दो node, दो radial node का बीच का distance जो है वही दिया हुआ है D। तो यहाँ से D का वैल्यू निकल जाएगा R1 R2, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तुम लोग ये वाला इक्वेशन से, और D का वैल्यू भी हमको पता चल गया, और ये A0 के टर्म में ही आएगा तुम्हारा, जो भी आएगा A0 के टर्म में ही आएगा। तो D अगर पता चल गया तो D by कितना दिया हुआ है, 1.73 A0, तो ये नहीं निकाल लोगे। So ये root 3 में रख सकते हैं सर, क्या 1.73 को, so 1.73 को, 1.73 को कितना,
रूट थ्री हाँ ठीक है, रूट थ्री लेके कर लो, वो कट जाएगा, वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही आ जाएगा क्योंकि ए नॉट के टर्म में ही आंसर आएगा तुम्हारा, तो ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेना, ये आसान है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, जैसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भेजे हो ग्रुप में, कौन भेजा है? हाँ समझ में आ गया ना सबको? हेलो किसी को डाउट है इसमें? देख लो, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब में एक ही चीज करना है तुमको, साइज स्क्वायर का वैल्यू 0 पुट करना है बस, और उससे जो रिलेशन आएगा ना बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का है, देखो ये बोला गया साई का वैल्यू 3s के लिए ही दिया हुआ है, ये है 1/9 √3 और इधर है 1/a0 power 3/2, इधर है 6 - 6σ + σ² (e⁻²) और सिग्मा का वैल्यू है 2r(z/3a0). अब यहाँ तुमको निकालना है मैक्सिमम रेडियल रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब नोड का ही डिस्टेंस निकालना है न्यूक्लियस से कितना होगा मैक्सिमम। तो क्या करेंगे हम लोग, नोड का वैल्यू निकालना है तो सिग्मा 3s का स्क्वायर जो होगा वो क्या पुट करना है, किसके इक्वल पुट करना है हमको? 0 के इक्वल। यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा 0 के इक्वल? यही 6 - 6σ और प्लस सिग्मा स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर हमको 0 के बराबर पुट करना है, बाकी सारा तो उधर चला जाएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर हट भी जाएगा तो ये रहेगा प्लस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक क्या बन गया, सिग्मा स्क्वायर माइनस 6σ + 6 इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, यहाँ से सिग्मा का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी है तो ये बी आ गया 6 + √b² (36 - 4ac), तो 4 × 6 = 24 और हाँ तो यहाँ आ गया 24, डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं 24 और बाय 2a है तो बाय 2a का वैल्यू तो 1 ही है, तो ये आ गया 6 + √12, तो 2√3 लिख सकते हैं हम लोग, यस सर, 2√ और बाय 2, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका 2 वैल्यू आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, एक बार प्लस लेते हैं तो 3 + √3 और एक आएगा 3 - √3, देखो तो क्लियर है, 2 वैल्यू आएगा सिग्मा का, एक 3 + √3 और दूसरा 3 - √3। अब हमको यहाँ सिग्मा नहीं निकालना है, हमको आर का वैल्यू निकालना है, तो आर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा तो हमको दिया हुआ है ना, सिग्मा का वैल्यू क्या है 2rz/3a0 और यही किसके इक्वल पुट करेंगे हम लोग 3 + √3, तो यहाँ से r का वैल्यू हमको निकालना है, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 + √3 और इधर 3 और बाय 2 और ये आ जाएगा a0 ऊपर चला गया और z नीचे आ जाएगा, देखो तो यही वाला, यही आ गया, r का वैल्यू निकालना था हमको, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पूछा गया, ये नोड का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो ऑप्शंस वहां दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 3/2 (3 + √3a0/z), ऑप्शन सी है, देख लो मैच कर रहा है। यहाँ 3 - √3 से भी कर सकते थे, तो वैसा वाला 3 - √3 वाला कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो एक ही वैल्यू कंसिडर करके यहाँ दिया है, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस ऐसे ही तुमको सॉल्व करना है, तुमको जो भी दिया रहेगा इक्वेशन उसका वेव फंक्शन का उसका स्क्वायर करके 0 के बराबर पुट करना है। कोई डाउट है इसमें किसी को? इसमें नहीं है। तुम लोग क्वेश्चन बना भी रहे हो? क्वेश्चन बनाए हो तुम लोग? बनाओ क्वेश्चन सब। नहीं बनाया हो तो क्या ये चैप्टर हो गया कंप्लीट? अब ठीक है इसमें चलो एक, हाँ बोलो क्या है, एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है yes, एक दो क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो। कल टेस्ट तुम लोग का कब है टेस्ट? संडे। हाँ तो उसमें पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना,
संडे तक इसको खत्म कर लो, पूरा जितना भी क्वेश्चंस बना सकते हो बना लो। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद ही पहले, देखना। क्वेश्चन है, ए सर्टन डाई एब्जॉर्ब्स, अच्छे से बनाना इसको, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4530 एंगस्ट्रम एंड एंड देन फ्लोरेसेंस लाइट ऑफ 5080 एंगस्ट्रम। एज्यूमिंग दैट, फ्लोरेसेंस का मतलब समझते हो? यस सर। क्या ग्लो करता है? ठीक है, वो ग्लोइंग इफेक्ट जो आता है ना उसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो जब ग्लो करेगा तो वो लाइट क्या करेगा, एमिट ही करेगा ना। यस। तो अज्यूमिंग दैट मतलब ये 4530 एंगस्ट्रम का लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसमें इतने वेवलेंथ का लाइट जो है वो एमिट कर रहा है, फ्लोरेसेंस कर रहा है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट अंडर गिवन सर्टन कंडीशंस ट ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट या एब्जॉर्ब एनर्जी, असली एब्जॉर्ब एनर्जी इज रीएमिटेड आउट एस फ्लोरेसेंस। ठीक है, मतलब सारा निकल नहीं रहा है बाहर, कितना परसेंट निकल रहा है फ्लोरेसेंस के थ्रू? 47%। तो यहां पे निकालना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि लाइट से रिलेटेड है ये, तो फोटॉन यूज कर रहे हैं, एमिटेड आउट टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा है डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बनाओ। मतलब तुमको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना एमिट हो रहा है बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना एब्जॉर्ब हुआ था। ठीक है, उस दोनों का रेशियो निकालना है। ट्राई करो जल्दी से। ग्रीन पेन से मत लिखिएगा, नहीं दिख रहा है। ग्रीन पेन से नहीं दिख रहा है, कौन से पेन से दिखता है तुम्हें? हमको सब ब्लू यूज कर लीजिए। ब्लू, चलो ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? सब दिख रहा है सर, दिख रहा है पर मुश्किल होता है मतलब। चलो ठीक है, बना किसे से? सर एक सेकेंड सर, 15 बनाओ।
हेलो हाँ बोलो सर पॉइंट ही बताना कितना है बोलो पॉइंट में सब सब काफी छोटा सब पॉइंट में आया सर 0.0 कितना आ रहा है बोलो सर 0.05 आया पॉइंट में 0.05 तो नहीं है एक बार क्रॉस चेक करो 0.527 है 0.5 में 0.52 हाँ यस सर यस सर 0.517 आ रहा है मेरा 527 ठीक है और किसी का आया दिव्यांशु देवांशु सर बना रहा हूँ सर और किसी से नहीं बना सिंपल क्वेश्चन है यार तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है सर कैलकुलेशन में टाइम जा रहा है कैलकुलेशन करना ही नहीं है ज्यादा एचसी के टर्म में रखो क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में हम लोग पहले अज्यूम करते हैं ई जो है हम लोग पहले निकाल लेते हैं एनर्जी 1 फोटॉन का कितना होगा ठीक है एनर्जी 1 फोटॉन का एब्जॉर्ब फोटॉन का एनर्जी कितना होगा तो एनर्जी ऑफ लाइट ऐसे लिखते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ लाइट चलो ब्लू से नहीं लिखना था ना सॉरी ग्रीन से नहीं लिखना था रेड से दिखता है तुम लोगों को वो रेनबो यूज कीजिए हाँ रेड से दिखेगा हाँ व्हाइट से भी दिख जाएगा व्हाइट से भी दिख जाएगा चलो ठीक है व्हाइट से ही लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन 1 फोटॉन तो 1 फोटॉन का एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग hc by lambda ये होता है ना hc by lambda absorbed ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में lambda absorbed का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4530 angstrom इतना दिया हुआ है अब हम लोग मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ n1 फोटॉन्स जो है n1 नंबर ऑफ फोटॉन्स ये एब्जॉर्ब हुआ था ठीक है n1 फोटॉन्स ये एब्जॉर्ब हुआ था तो n1 फोटॉन्स का टोटल एनर्जी ये एक फोटॉन का एनर्जी है इतना hc by lambda absorbed तो n1 फोटॉन का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हम लोग कैसे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड क्या हो जाएगा एक फोटॉन का इतना है तो n1 इनटू क्या आ जाएगा hc by lambda lambda absorbed आ गया ठीक है चलो अब इसी तरह हम लोग मानते हैं कि n2 फोटॉन्स अज्यूम कर लेते हैं कि n2 फोटॉन्स जो है ये रीएमिट हुआ था रीएमिटेड आउट n2 फोटॉन्स re-emitted out तो मतलब टोटल एनर्जी हम लोग emitted का कितना निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी re-emitted कितना निकाल सकते हैं बताओ re-emitted का कितना हो जाएगा n2 अब यहाँ पे hc by lambda re-emitted वाला होगा होगा ना बात समझ में आ रहा है हेलो ठीक है ये n2 re-emitted अगर number of photons इतना n2 re-emit हो रहा था तो इसका total energy कितना re-emit हो रहा होगा n2 into hc by lambda re-emitted अब question में इन दोनों को relate करने के लिए हमको दिया हुआ है कि 47% ही जितना absorb हुआ था उसका 47% ही energy re-emit हो रहा है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि energy absorbed का अगर हम लोग 47% करोगे मतलब 47/100 करोगे तो इतना ही क्या हो रहा है एनर्जी रीएमिट हो रहा है ये दिया गया है ना हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ डेटा हमको रिलेट करने के लिए बस अब रिलेट कर दो और यहाँ पे n2/n1 या n1/n2 का वैल्यू हमको निकालना है सॉरी किसका रेशियो निकालना है एमिटेड आउट टू द फोटॉन अब्सॉर्ब मतलब n2/n1 का रेशियो निकालना है तो एनर्जी अब्सॉर्ब टोटल कितना आ गया हमको n1 into hc by lambda absorbed
इंटू 47 बाय 100 और इधर क्या हो गया एनर्जी एमिटेड कितना आ गया N2 एच सी बाय लैम्डा री एमिटेड। ठीक है, इसका दोनों का वैल्यू हमको पता है तो यहां से देखो एच सी कैंसिल आउट हो गया। एन टू बाय एन वन का हमको रेशियो निकालना है तो एन टू बाय एन वन का रेशियो कितना आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 47 बाय 100। ठीक है, और क्या दिया हुआ है ये हमको एन वन को उधर भेज दिया ना तो लैम्डा री एमिटेड बाय लैम्डा एब्जॉर्ब्ड यही आ जाएगा ना, देख लो तो। हेलो, यस सर। तब इसका वैल्यू पुट कर दो सिंपली 47 बाय 100 और इनटू लैम्डा री एमिटेड कितना दिया हुआ है सो 5080 और लैम्डा एब्जॉर्ब्ड कितना है 4530। बस इसी को सॉल्व करना है N2 by N1 आ जाएगा। आ रहा है क्या? फिर आ जाएगा। देख लो किसी को डाउट है इसमें। किसी को सॉल्व कर लेना आंसर कितना आ जाएगा 0.527 आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया था तुमसे। कोई डाउट? सब बुकलेट का क्वेश्चन। हाँ बोलो। सब बुकलेट में एक्सरसाइज आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। यस सर, आवाज नहीं आ रहा ठीक से, एक बार चेक कर लीजिए। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ सर, आवाज है। हेलो, हेलो। यस सर, अब आ रहा है। हाँ बोलो। यस सर, आवाज। तो ये क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना किसी को? चलो क्या पूछना है, क्या पूछना है पूछ लो जल्दी। एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 47 देखिए ना। बुकलेट तो है नहीं मेरे पास, बताओ क्वेश्चन क्या है। ग्रुप में भेजो तो क्वेश्चन। देखो तुम लोग का हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ये सब फॉर्मूला तुम लोग को बता दिए थे क्या? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताए थे ना? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। पैरा मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताए थे ना लास्ट क्लास में? Yes, मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरा मैग्नेटिक, जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो बताए थे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या था फॉर्मूला? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, यही था ना? एल यहाँ पे क्या होता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ये सब कुछ कुछ फॉर्मूला है, ये सब ध्यान रखना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में हम लोग एस ले लेंगे यहाँ पे, और एस का वैल्यू तो निकालने बताए थे ना?
स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है तो अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन लेते हैं और ये एच बाई टू पाई, ठीक है। एस का वैल्यू तो निकालने बताया ना, एस जो है वो टोटल स्पिन है, तो टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं वो तो बताए थे, समेशन ऑफ ऑल द स्पिन्स कर दोगे। यस सर, ठीक है, चलो भेज दिया क्या? यस सर, भेज दिया। क्या है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? सो क्वेश्चन जिसमें ए लिखा हुआ 47। यस सर। अच्छा क्या है इसमें, दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। अच्छा तो इसका कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है, देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। ट्वेंटी फोर आ रहा है, तो 24 किसका होता है, क्रोमियम का होता है। Yes. क्रोमियम का होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हमको पता है कि क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यही होता है ना? Yes, sir. लेकिन ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पे क्या है देखो, थ्री डी एक्चुअली ये होना चाहिए, इसको अगर हम लोग हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग देखें ये कितना होना चाहिए था, 3d5 होना चाहिए था है ना, सॉरी ये 3d6 होना चाहिए था, सॉरी अच्छा नहीं नहीं ये ऐसे होता ना 4s 3d4 होता अगर नॉर्मल रहता तो। हाँ हाँ एक मिनट रुको, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है। एक्चुअली जब लिखने का ऑर्डर होता है तो लिखने का ऑर्डर हम लोग 3p के बाद किस में जाता है, 4s में, 4s2 और 3d4। ये होना चाहिए था हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग बट ये होता नहीं है, यहाँ से एक s इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है, 3d वाले में चला जाता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके जाता है वो 3d5 में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है ना, ये हम लोग बोलते हैं ये एक्चुअली ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d5 में जा रहा है तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ही कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जंप करने की वजह से वो क्या होता है, हम लोग उसको बोल देते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तब तक वो थोड़ी ना जंप करेगा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं इसको एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये क्या बोल देंगे इसको, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सर तो क्रोमियम हमेशा एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्या? सर क्रोमियम हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, क्रोमियम जिसमें जंप कर रहा होगा, मतलब जिसमें एक्सेप्शन हमको मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा होगा, तो वो सब मतलब हमेशा एक्साइटेड स्टेट में कहा जाएगा ना। हाँ, तो उसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है, तो वो नॉर्मल कंडीशन थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हुआ होगा तो थोड़ा बहुत तो वो एक्साइट हुआ है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुआ है, क्योंकि वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाले में जंप किया है, समझ में आ रहा है ना, 4s का एनर्जी कम है 3d का एनर्जी ज्यादा है, तो अगर s से d में ये जंप कर रहा है, 4s से 3d में जंप कर रहा है, तो बिना कोई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुए तो वो जंप किया नहीं होगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए वो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी में जा रहा है, क्योंकि ये 4s से लोअर एनर्जी शेल से ये हायर एनर्जी वाले में जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये एक्साइटेड स्टेट हम लोग बोलते हैं। बोलो सर, इसमें एक्साइटेड स्टेट रहेगा तो इसमें 3p से 3d में जा सकता? नहीं नहीं, वो स्टेबिलिटी भी तो हम लोग देखना पड़ता है ना, दोनों फैक्टर तो होता है। यहाँ पे जनरली पूछा गया ये एक्चुअली करता क्यों है,
क्रोमियम में ऐसा क्यों होता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही होता है, ये तो हम लोग रीजन देख चुके हैं ना। सो अगर एनर्जी दे बाहर से तो बाहर से दे तो वो तो जंप करेगा, तो फिर तो वो हम लोग नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना बात करेंगे हमेशा, वो फिर अनस्टेबल हो जाएगा ना। यस क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी, ये एटम का स्टेबिलिटी भी तो मैटर करता है। स्टेबिलिटी जिस फॉर्म में वो स्टेबल रहेगा वो उसी फॉर्म वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अज्यूम करेगा। ठीक है, सेल में सिर्फ जंप करता है, फिर सब लेवल में भी सिर्फ जंप कर जाता है? नहीं, वो जो बताया है ना वो सारे केसेस में तुमको नहीं करना है, जहां जहां पे एक्सेप्शन है वो एक दो केसेस में ही तुमको वो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में हम लोग शिफ्टिंग करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, वो स्टेबिलिटी का रूल होता है, वो मतलब सारे जगह पे तुमको नहीं कर देना है, वो कुछ कुछ पर्टिकुलर एटम में है तो वो तो एक्सेप्शन के फॉर्म में बताया ही गया तुम लोगों को। सर एक और था सर, हाँ बोलो सर। डाउट सर, इसमें सर टेम्परेचर से इसमें वेवलेंथ निकालने बोल रहा, रिलेशन दिया सर, एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हाँ बोलो सर। ये द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर 4 and 20 AMU रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉयस। अच्छा अच्छा हाँ समझ गया, वो जे एडवांस में आया हुआ है ना। यस सर, वो क्वेश्चन अभी वो गैसियस स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, गैसियस स्टेट पढ़ोगे, वो दोनों चैप्टर कंबाइंड करके दिया हुआ है वो क्वेश्चन, तो गैसियस स्टेट पढ़ोगे तभी वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो गैसियस स्टेट से रिलेटेड। चलो और कुछ है, और जो होगा वो ग्रुप में भेज देना तुम लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट होगा? नेक्स्ट क्लास से तुम लोग का तीसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? पीरियोडिक टेबल। उसमें देखो पीरियोडिक टेबल में तुम लोग का वो वाला पार्ट हट गया है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तुम लोग पढ़ के रखना, पहले से बोल देना। जो शुरुआत का इंट्रोडक्शन है ना, पीरियोडिक टेबल कैसे डिस्कवर हुआ था, हाँ तो बस उसी को रिवाइज करके रखना तुम लोग। जो क्या है शुरुआत में, डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, फिर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो सब 10th में पढ़े हो ना। यस सर। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे, जो मेन पार्ट है वो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन वाला हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो तुम लोग एक बार रिवाइज करके रखना। ठीक है, और बाकी तब तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, जितना भी क्वेश्चन बनाना है। सेक लास्ट बोलो। सर पूछ रहे थे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल से कितना परसेंट देता है वो प्रोबेबिलिटी? सर 100%, 5 या 10% या 95-90% या 50-60%? ऑर्बिटल में? यस सर। तो ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही पाया जाता है, तो वो मैक्सिमम है, मतलब उसको नियरली हम लोग 100% के बराबर। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? So 100%, 90-95%, 50-60%, 5-10%। तो ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, तो मैक्सिमम जितना वो नियरली 100% अज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो तुम लोग क्वेश्चंस इसका बना लो, जितना भी क्वेश्चन जो नहीं बनाया हो अभी भी टाइम है, 3-4 दिन आराम से प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, जिसको भी डाउट होगा वो पूछ सकते हो ग्रुप में। ठीक है, और कोई डाउट है? आज जितना क्लास बताया, ये जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो। हेलो। नो सर। चलो तो फिर एंड कर रहे हैं, बाकी चलो तैयारी करो तुम लोग टेस्ट का, या प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा वो ग्रुप में पूछ लेना बाकी। ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू। सो मोल कॉन्सेप्ट के डाउट था? हाँ ठीक है, ग्रुप में पूछ लेना, लाइव डिस्कस करना तो बोलना चाहिए ना, पहले बोलते हैं, अभी तो दूसरा क्लास पर लगा हुआ होगा ना। सो किसी और दिन कर लीजिए। ठीक है, वो पूछ लेना किसी और, या ग्रुप में ही पूछ लो, कोई डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर लाइव क्लास में पूछ लेना। ठीक है, सो वो एडवांस प्रॉब्लम में था इसलिए।
ठीक है पूछ लो, ग्रुप में भेजना, देख लेंगे। मेरे को भी उसी सेक्शन में मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम और एडवांस वाला में। ठीक है ग्रुप में भेजना, देख लेंगे। यस सर।